तो दोस्तों, अगर आपको राजस्थानी खाने का स्वाद लेना है तो जयपुर से बेहतर जगह तो कोई और हो नहीं सकती। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जयपुर डूड, और लेके आ चुका हूं आपके लिए जयपुर से एक और शानदार वीडियो। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाते रहता हूँ जयपुर से शानदार कॉन्टेंट आपके लिए सबसे पहले। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ चांदपुर बाज़ार जयपुर, और आज अपन आ चुके हैं जयपुर की सबसे ओल्ड दुकान, 150 साल पुरानी दुकान, महावीर रबड़ी भोजनालय पे। और यहाँ की बेजड़ की रोटी और आलू प्याज पनीर की सब्जी पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में फेमस है। तो आज अपन इसको खाएंगे और मैं आपको टेस्ट बताऊंगा, एक अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, 5 out of rating में अपन रेट देंगे इसको। और अभी अंदर चलते हैं और साथ में मिलके एक्सप्लोर करते हैं। आप लोग देख सकते हो अपन आ चुके हैं रसोई में, और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो ये है जहाँ पे रोटियाँ बनती है और सब्जियाँ कटती है। और आप लोग देख सकते हो आंटियाँ रोटी बना रही है, और रोटी का एक बार साइज़ देखो आप कितना ज़्यादा बड़ा है। आंटी एक बार रोटी का साइज़ बताना एक हाथ में लेके। ये देखो दोस्तों, ये बेजड़ की रोटी है ना। कितनी ज़्यादा, कितने इंच की होती है भैया ये, कुछ आइडिया? अच्छा बिल्कुल, और ये कोयलों पर सिकती है बिल्कुल, क्या बात है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो बिल्कुल राजस्थानी जो तरीका होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रोटियाँ बनाई जाती है। और ये बेजड़ की रोटी है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये ऊपर घी लगाया है बिल्कुल, बटर, अमूल बटर लगाया है, क्या बात है। तो इधर दोस्तों मिर्ची के ट्रिपोले भी बनते हैं, और इधर ये मिर्ची की कटिंग हो रही है आप लोग देख सकते हो। और ये क्या चीज़ बन रही है आंटी? कढ़ी। कढ़ी भी मिलती है यहाँ पे। कौन कौन सी सब्जियाँ मिलती है? आलू प्याज पनीर गट्टा मसाला दाल कढ़ी चावल, और बिल्कुल देसी तरीके से जो राजस्थानी स्वाद है वो आएगा अपन को बिल्कुल यहाँ पे। दोस्तों इधर आपको गाजर का हलवा भी मिल जाएगा, और आपको रेट पता है क्या भैया गाजर के हलवे की क्या रेट है? 440 रुपये किलो, देसी घी का, देसी घी का गाजर का हलवा 440 रुपये किलो। और इधर ही गाजर की कटिंग हो रही है, और अब मैं जो आपको परात दिखाने वाला हूँ इसमें जो है इनका जो फेवरेट है आइटम जो कि रबड़ी के नाम से जाना जाता है, महावीर रबड़ी, वो इसमें बनती है पूरी रबड़ी। आप लोग देख सकते हो उसका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है, वीडियो में इतना बड़ा नहीं दिख रहा होगा बट रियलिटी में ना ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है साइज़ इसका, आप लोग देख सकते हो। और इसमें पूरी रबड़ी बनती है, इसमें पूरी रबड़ी आती है और फिर वो शॉप पर ले जाई जाती है बाहर। तो दोस्तों अभी अपन आ चुके हैं अंदर ढाबे के, और आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल छोटा सा है, और ऊपर भी स्पेस है भैया बैठने की, ऊपर भी और नीचे भी टेबल्स है बैठने के लिए। तो भैया अपने पास क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे, कौन कौन सा आइटम अपने पास अवेलेबल है खाने के लिए? तो आलू पनीर की सब्जी है, बेजड़ की रोटी, लहसुन की चटनी, मिर्ची के टिकोरे, रायता, कढ़ी, चावल, दाल, गट्टा। तो अपने पास रेट, रेट का क्या है, रेट कितने की है? ये 130 वाली है, 250 वाली। तो 130 में क्या क्या अपने पास है? 130 में आलू पनीर की सब्जी आएगी एक, हाँ। एक बेजड़ की रोटी, लहसुन की चटनी, मिर्ची के टिकोरे, रायता, मिर्ची के टिकोरे। तो भैया एक एक प्लेट हमारी लगा दो आप, 130 वाली है, 250 वाली, 130 वाली आप एक प्लेट लगा दो हमारे लिए। तो अभी अपन भी टेस्ट करते हैं और मैं आपको टेस्ट बताऊंगा और आइटम भी दिखाऊंगा कितने ज़्यादा यहाँ पे टेस्टी है। तो भैया एक प्लेट लगा दो आप। तो दोस्तों अपनी जो है थाली आ चुकी है, और इसकी जो प्राइस है वो है 130 रुपीज़, और जिसमें आपको मिलने वाली है एक बेजड़ की रोटी जिसपे प्योर घी अमूल बटर लगा के रखा है, बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से घी बटर लगा है इसके। और ये है अपनी आलू प्याज पनीर की सब्जी, और इसमें देखो पनीर भी है और प्याज भी है, मिर्ची भी है, आलू भी है। बाकी भाई क्या खुशबू आ रही है यार। और ये है यहाँ की लहसुन की चटनी, आप लोग देख सकते हो। ये है मिर्ची के ट्रिपोले, और ये है रायता, बूंदी रायता।
ये पूरी जो इसकी प्राइस है वो है 130, और अगर आपको एक्स्ट्रा रोटी चाहिए तो 35 की एक्स्ट्रा रोटी है, और सब्जी एक्स्ट्रा चाहिए तो 50 रुपीज़ की एक्स्ट्रा सब्जी है, बाकी 10 रुपीज़ करके ये पूरा 130 का बनाया है इन्होंने, अपने अकॉर्डिंग सेट किए थाली 130, और एक 230 वाली थाली अलग है जिसमें आई थिंक दो रोटी और सब्जी वगैरह थोड़ी एक्स्ट्रा होगी। तो ये है थाली, और अभी मैं इसको टेस्ट करूँगा और आप लोगों को टेस्ट बताऊँगा कितनी ज़्यादा ये टेस्टी है, क्योंकि मेरे को जो खुशबू आ रही है ना भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है मतलब मेरे को तो खाने में। तो फटाफट से खाता हूँ बिना देरी के और आप लोगों को टेस्ट बताता हूँ। तो दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं खाना, और एक बाइट मैंने थोड़ा फोटोज वगैरह लेने लग गया था तो एक बाइट लिया था मैंने इंस्टाग्राम रील्स के लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये यूज़र नेम आ रहा है यहाँ पे, मैं फोटोज़ और रील्स और सारी वीडियो का अपडेट देता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी ऐड हो जाते हैं। तो अब इसको टेस्ट करते हैं अच्छे से बिल्कुल, और मेरे को मतलब खुशबू तो इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना, इतनी तगड़ी खुशबू आ रही है ना कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। और ये अपना पहला बाइट लेते हैं, और ये देखो मस्त बटर लगा हुआ है इसमें अच्छी क्वांटिटी में, और ये पनीर अपन तोड़ते हैं अच्छे से, बिल्कुल सॉफ्ट पनीर है यार ये पनीर। और साथ में लेते हैं अपन एक मिर्ची का पीस, थोड़ी बहुत चटनी, और इस बाइट को अपन खाते हैं जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है। फैंटास्टिक टेस्ट यार, बहुत ही टेस्टी है भाई, जितना सोचा था ना उससे ज़्यादा टेस्टी है। और ये जो सब्जी है ये भी घी में बनती है, तेल में नहीं बनती, ये सब्जी भी घी में बनती है आप लोग देख सकते हो, तो मतलब हेल्थ इशू भी कुछ नहीं है। और ये है अपना बूंदी रायता साथ में, प्योर दही का रायता बनाया, गाढ़ा गाढ़ा यार, और जगह जैसा लगता है पानी पी रहे हो अपन, बट यहाँ का बूंदी रायते की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और काफ़ी टेस्टी भी है। और एक और बाइट लेता हूँ क्योंकि मतलब मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं नहीं रुकूँगा अब यार। देखो ये बाइट लिया अपन ने, और ये चटनी ली, आ है भाई साहब मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो यार मैं आपको बोलूँगा ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना यहाँ पे आके जयपुर में, आकुर से बाहर ये वीडियो देख रहे हो तो जयपुर अगर आप आ रहे हो तो चांदपुर बाज़ार मिश्रा राजा जी का रास्ता में महावीर रबड़ी भंडार के नाम से ये शॉप है, यहाँ पे आपको ये थाली तो मतलब मस्ट ट्राई है, ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी है आपको। और प्राइस भी काफ़ी कम है 130 रुपीज़ की, 130 रुपीज़ में आपका अच्छे से बिल्कुल आप बोल सकते हो लंच या ब्रेकफास्ट अच्छे से हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, जयपुर का ऐसा अमेजिंग कॉन्टेंट देखने के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो पूरी थाली मैं फिनिश कर चुका हूँ, बट यार टेस्ट काफ़ी अच्छा, और एक रोटी मतलब पेट भरने के लिए काफ़ी है, मतलब पेट आपका ऐसा हो जाएगा हैवी तो एक रोटी से।